हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम एलआरपी एग्जाम साइंस रो क्वेश्चन पेपर रो प्रत्येक क्वेश्चन आंसर कौन आलोचना करवा से भिडटी को शेष पर्यटन देखु। आउ चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करी पाखरे बेल रो आइकन क्लिक कर दिंतु। तेज चलतु आज आम एलआरपी साइंस क्वेश्चन पेपर रो प्रत्येक क्वेश्चन आंसर कौन हम आलोचना करवा। तो देखु ये हूँ तुम इंटर्न क्लास 9 साइंस एग्जाम है। तुम पूर्ण संख्या रहा 50 मार्क, टाइम दिजा 40 मिनिट। तो चलतु जीवा आम प्रथम क्वेश्चन को। देखो प्रथम क्वेश्चन कही निम्नलिखित उक्ति गुड़िक मध्य क्यों गुड़िक भूल अच्छे से गुड़क ठीक करके लिख है ए भूल अच्छे ठीक करके लिख। तो देखा प्रथम क्वेश्चन कौन कही सपुष्पक उद्भिदर फूल होउछि प्रजनन अंग, ये ठीक अच्छे हेल्ला या छाड़ दि। सेकेंडटा देख स्टार पृष्ठ में अंत समयन देखा जाए, स्टार पृष्ठ में अंत समयन हेनी ये हम कौन जी बही समयन है बही समयन। तो कौन लिख स्टार पृष्ठ में बही समयन देखा जाए है टोटाल तुम वाक्यटा को लिख। ग नंबर देख अंडज प्राणी माने शावक जन्म करते, ये भूल अच्छे है अंडज प्राणी माने अंडा दिखते लिख कौन अंडज प्राणी माने अंडा दिखते है। घ नंबर कही जुग्म करु मनुष्यर मनुष्य शरीर विकसित हुए, जुग्म जुग्म करु हुए कि ना से कौन हम जुग्म जरु है आंसर लिख जुग्म जरु मनुष्य शरीर विकसित हुए। मो नंबर क्वेश्चन कही अलिंगी जनन मध्य समयन आवश्यक, अलिंगी जनन मध्य समयन आवश्यक आवश्यक कि ना लिख अलिंगी जनन समयन आवश्यक ना है टोटाल वाक्य को तुम ये लिख। छ नंबर क्वेश्चन कही एमिबा कर्कोदगम प्राणी समयन करे, एमिबा करे कि ना किए करे हाइड्रा है लिख हाइड्रा कर्कोदगम प्राणी समयन करे बुझा पड़ा। छ नंबर क्वेश्चन कही सपुष्पक उद्भिदर त्री समयन और द्वि संयोजन हुए, ये भूल अच्छी ये कौन हम सपुष्पक उद्भिदर ये द्वि समयन हो त्रि संयोजन हो बुझा पड़ा द्वि समयन आउ त्रि संयोजन हुए लिख सपुष्पक उद्भिदर द्वि समयन और त्रि संयोजन हुए बुझा पड़ा। तापर जीवा ज नंबर क्वेश्चन को कौन दे पराग रेणु डिंबकोश सृष्टि हुए, पराग रेणु डिंबकोश सृष्टि हुए कि ना कौट सृष्टि हुए पराग रेणु जुग्म पर सृष्टि हुए है हम जुग्म पर सृष्टि हुए। तापर बेंगरे बही समयन देखा जाए, ये ठीक अच्छे या छाड़ दि। व नंबर कही या छाड़बनी है जमीत सेमती लिखिद बेंगरे बही समयन देखा जाए। वन नंबर कही नियम नंबर कही जुग्म जरे चारोटी नेष्टि थाए, चारोटी थाए कि ना गोटे थाए लिख जुग्म करे गोटे सॉरी जुग्म जरे गोटे नेष्टि थाए है जुग्म जरे गोटे नेष्टि थाए। बुझा पड़ा। तापर जी आम दुई नंबर को, दुई नंबर कौन कहीटार केतक ऑप्शन दे जाक यूज करके जो डैश जाक फिलअप कर बुझा पड़ा ये खाली स्थान पूरण कर। तो देख प्रथम क्वेश्चन कौन कही नेष्टि कोष जीवक ठारू डैश द्वारा पृथक होते, नेष्टि कोष जीवक ठारू नेष्टि झिल्ली द्वारा पृथक होते है क्या द्वारा नेष्टि झिल्ली द्वारा आंसर हो नेष्टि झिल्ली है क नंबर आंसर हम नेष्टि झिल्ली। ख नंबर कही जीवंत कोष डैश द्वारा गठित, जीवंत कोष आदि परस द्वारा गठित है नेष्टि झिल्ली क नंबर आंसर आदि परस हो आदि परस हो तुम ख नंबर आंसर बुझा पड़ा। ग नंबर कही प्रकृति में देखा जा बृहत्तम कोष हूँ डैश कौटा उट पक्षी अंडा ये तुम ग नंबर आंसर है जो उट पक्षी अंडा।
ଘ ନମ୍ବର କହିଛି ବଂଶଗତିର ଏକକକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, ବଂଶଗତିର ଏକକକୁ ଜିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଯେ ତୁମର କ'ଣ ଯେ ଘ ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେଲା। ଘ ନମ୍ବର କହିଛି ଯେଉଁ କୋଷରେ ନେଷ୍ଟିର ନେଷ୍ଟି ଝିଲି ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ କୋଷରେ ନେଷ୍ଟିର ନେଷ୍ଟି ଝିଲି ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍ଠୀୟ କୋଷ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍ଠୀୟ ହେଇଯିବ କ'ଣ ତୁମର ଘ ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେଲା। ଛ ନମ୍ବର କହିଛି ଏମିବା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, ଏମିବା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୁଟପାଦ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୁଟପାଦ। କୁଟପାଦ ହେଇଯିବ ତୁମର ଛ ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେଲା। ଛ କହିଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହାର ଆବରଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୋଷଭିତ୍ତି। କୋଷଭିତ୍ତି ହେଇଯିବ କ'ଣ ତୁମର ଛ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର, କୋଷଭିତ୍ତି। ଜ କହିଛି ନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସରି ନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନି ନେଷ୍ଟି ହେଲା। ନି ନେଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ତୁମର ଜ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର, ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଝ ଆଉ ନିଅକୁ। ଝ ନିଅ କ'ଣ କହିଛି, ଝ ନମ୍ବର କହିଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ରଙ୍ଗୀନ କଣିକାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଲବକ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲବକ। ନିଅ କହିଛି ଜୀବ ଶରୀରର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜୀବନ୍ତ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୋଷ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସରିଲା। ତାପରେ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବରକୁ। ତିନି ନମ୍ବର କହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୁଗ କର। ତ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ କ ଫୁ ଯୁଗ୍ମକ, ଫୁ ଯୁଗ୍ମକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫୁ ଯୁଗ୍ମକ ହେଇଯିବ ପରାଗରେଣୁ ହେଲା। ଡିମ୍ବକ, ଡିମ୍ବକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମଞ୍ଜି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଆଖି, ଆଖି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆଖି ହେଇଯିବ ଆଳୁ। ତାପରେ କଳିକନ, କଳିକନ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ହେବ ହେଲା। ଇଷ୍ଟ ତିନି, ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଇଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଇଷ୍ଟ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ବିଖଣ୍ଡନ, ବିଖଣ୍ଡନ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଶୈବାଳ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏକ ନମ୍ବରଟା ଚାରି ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟା ତିନି ହେଇଯିବ, ତିନିଟା ଦୁଇ ହେଇଯିବ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ, ପାଞ୍ଚଟା ଏକ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଚାରି ନମ୍ବରକୁ। ଚାରି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଝେଇ ଲେଖିବ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ। ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦେଖ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ହେଲା। ଲେଖିବ ଏଇଠି, ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ। ସେକେଣ୍ଡଟା କହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ। ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର କହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ। ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନା ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ହେଲା ଏମ୍ବିସି। ଏମ୍ବିସି ମାନେ କ'ଣ, ଏମ୍ବିସି ମାନେ ହେଉଛି ମିନିଏଚର୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍ ହେଲା। ଏମ୍ସିବି ମାନେ ମିନିଏଚର୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍ ହେଲା, ମିନିଏଚର୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍। ତାପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ୍ୟାଟେରୀ ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ୟାଟେରୀ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ କୁହାଯିବ ହେଲା। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କାରଣ ଲେଖ, ସାଇକେଲ ରିମ୍ରେ ନିକେଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମିୟମ୍ ପ୍ରଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି, କାହିଁକି ନା ଲୁହା ଧାତୁ ଚକ୍ଚକ୍ କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ ହେଲା। ଲେଖିବ ସାଇକେଲ ରିମ୍ରେ ନିକେଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମିୟମ୍ ପ୍ରଲେପନ କରାଯାଏ କାହିଁ, କାରଣ ଲୁହା ଧାତୁ ଚକ୍ଚକ୍ କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ
ख नंबर कही पतित जल विद्युत कुपरिवाह मात्र समुद्र जल विद्युत सुपरिवाह कहीं पतित जल लवण न थाए कि समुद्र जल लवण थाए है लिख पतित जल विद्युत कुपरिवाह मात्र समुद्र जल विद्युत सुपरिवाह कारण पतित जल लवण न थाए समुद्र जल लवण थाए। ग नंबर कही झड़ वर्षा बेले विद्युत परिपथ मरामति करिबा निरपत नुहे हैला झड़ वर्षा बेले विद्युत परिपथ मरामति करिबा निरापत नुहे कहीं आंसर है विद्युत झटका लागिबार संभावना थाए हैला लेखिबो झड़ वर्षा बेले विद्युत परिपथ मरामति करिबा निरापत नुहे कहीं कारण विद्युत झटका लागिबार संभावना थाए। तापर कहि विद्युत प्रलेपनर आवश्यकता रहिछि कहीं ना विद्युत प्रलेपन एक दरकारी प्रक्रिया यह शिल्प क्षेत्र में अनेक निकृष्ट धातु उत्कृष्ट धातुर प्रलेपन देवाई व्यवहार कराए है कही बृष्टि जल मध्य टेस्टर में सूची चुंबक विक्षेप देखाई पारे कहीं एतिर धातव लवण प्राकृतिक उपाय द्रवीभूत होता है एक विद्युत सुपरिवाह हैपर जा छ नंबर को कौन कही एक पदरे प्रकाश कर अम्ल वर्षा द्वारा मार्बल पत्थर क्षतिग्रस्त ता कौन कहुए मार्बल कैंसर कहुए है कौन कहुए मार्बल कैंसर तापर अंगारकाम गैस द्वारा पृथ्वीर तापमात्रा बढ़िया कौन कहुए विश्व तापन कहुए ग्लोबल वार्मिंग कहुए ग्लोबल वार्मिंग जो संगठन अधुन अनुध्यान जनाई जे अवक्षयमुखी दसटी नदी मध्य गंगा नदी अन्यतम कौटा हाँ WWF पृथ्वी पृष्ठ को सूर्य को अति बायुगुण रश्मिटार रक्षा कर आस्तरण कौन कहुए ओजोन लेयर है ओजोन स्तर देखिए ओजोन स्तर है कुहुड़ी सह धूआ मिसले कौन तैयारी हुए ना धूम कुहुड़ी कौन तैयारी हुए धूम कुहुड़ी है सात नंबर क्वेश्चन को ये कौटा ट्री गोटे ट्री फल्स होता है फल्स कही वर्षा जल जलर मुख्य उत्स अटे ये कौन फल्स अच्छे एफ लिख पृथ्वी ह्रद और नदी जलर परिमाण ठारु भूतल जलर परिमाण अधिक ये ट्रू टी लिख दुईट प्रस्तर स्तर मध्य भूतल जल को आक्वालाइट कहुए ये कौन फॉल्स एफ लिख बहु जल उपस्थिति जो आम पृथ्वी महाशून्य नील ग्रह भाव दृश्यमान हुए ये ट्री अच्छे सरी ट्री अच्छे ट्री लिख पृथ्वीर समस्त जल संपद को 2.2 लिटर धरले मात्र अधा चामच जल हो मधुर जल ये कौन ठीक अच्छे मानते या ट्री लिख तो ये तुम विज्ञान क्वेश्चन पेपर रब जा क्वेश्चन आंसर आशा करूँ भिडियो तुमको निश्चय रूप भल लगे जदि भल लगे तो गोटे लाइक करूँ आउ चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन क्लिक कर दिंतु आउ जदि PDF टी पाइबा चाहते तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोटे टेलीग्राम चैनल लिंक दिखाई से लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु से तुमको यही PDF को शेयर करदेवि तो आज पर पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।